नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिक्षा अकेडमी की इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018-19 के बारे में। दोस्तों, जो कि मैंने यहाँ पर प्रैक्टिस सेट की वीडियो अपलोड करना स्टार्ट किया था, उसका पार्ट या फोर्थ है, यानी कि समाजशास्त्र के 3 वीडियो पहले ही अपलोड किए जा चुके हैं, जिसमें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न इंक्लूड किए गए हैं। तो सबसे पहले यदि आपने नहीं देखे हैं तो उन 3 पार्ट को भी देख लीजिए, उनकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां पर आप उन 3 पार्टों को भी देख सकते हैं, जिसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। दोस्तों, आपके लिए अब लगभग हर दिन इस यहाँ पर मैं एक प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। दोस्तों, यदि वीडियो आप पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, और दोस्तों हो सके तो आप अपने चैनल शिक्षा एकेडमी को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि जो भी मैं अगला नया वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देख लिए दोस्तों, आज का प्रश्न, पहला प्रश्न यहाँ पर है, समाजशास्त्र के मानविकी अभिमुखन के समर्थक हैं, समाजशास्त्र के मानविकी अभिमुखन के समर्थक हैं कौन से हैं? ऑप्शन ए सी राइट मिल्स, ऑप्शन बी काप्टे, ऑप्शन सी बेबर, ऑप्शन डी दुर्गिम। इसका सही आंसर है क्या है? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सी राइट मिल्स हैं, जो कि मानविकी अभिमुखन के समर्थक हैं। कौन? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। और इसके बाद दूसरा प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? व्हाट इज सोशियोलॉजी नामक एक पुस्तक है, उसके लेखक कौन है? दोस्तों, जो पुस्तकें जितनी भी हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप इनको अवश्य याद करिए। दोस्तों, इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस ऑप्शन आपके सामने 4 ऑप्शन है, अगस्त कामटे, ऑप्शन बी है किंग्सले डेविस, ऑप्शन सी एलेक्स इंकलेस, ऑप्शन डी दुर्गिम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एलेक्स इंकलेस इसका राइट आंसर है। एलेक्स इंकलेस ने व्हाट इज सोशियोलॉजी नामक एक पुस्तक लिखी है, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, हरवाल्ट स्पेंसर के अनुसार समाजशास्त्र के अध्ययन की इकाई है, हरवाल्ट समाजशास्त्र के जो अध्ययन किया जाता है उसकी इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर ए समूह, व्यक्ति, समाज या समुदाय, ठीक है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि समाज, ठीक है। क्या है? समाज। समाज को ही समाजशास्त्र के अध्ययन की इकाई बोला जाता है या फिर कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है, परिवार निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? परिवार निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए प्राथमिक समूह का, ऑप्शन बी द्वितीयक समूह, ऑप्शन सी बाह्य समूह या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि परिवार जो है वह एक प्राथमिक समूह का उदाहरण है। क्या? परिवार एक प्राथमिक समूह का उदाहरण है, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, सामाजिक संरचना की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया? किसने किया है सामाजिक संरचना की अवधारणा का प्रतिपादन? ऑप्शन आपके सामने हैं, ऑप्शन ए है दुर्गिम ने, ऑप्शन बी कार्ल मानहीन ने, ऑप्शन सी स्पेंसर ने, ऑप्शन डी पार्सन्स ने। दोस्तों, इसका भी सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्पेंसर ने सामाजिक संरचना की अवधारणा का प्रतिपादन किया था, वो भी सर्वप्रथम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद चलिए अगले प्रश्न है, देख लीजिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्राथमिक समूह की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? प्राथमिक समूह की अवधारणा जो है भाई किस ने प्रतिपादित यहाँ पर की है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए किम्पाल यंग, ऑप्शन बी एच पी फेयर चाइल्ड, ऑप्शन सी सी एच कूले, ऑप्शन डी किंग्सले लेडीबिस। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हम बता दें, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि सी एच कूले ने प्राथमिक समूह की अवधारणा का प्रतिपादन किया था, ठीक है, सी एच कूले ने।
इसके बाद चलते आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। प्राथमिक श्रेणी के नातेदारों के कितने प्रकार हैं, यानी कि जो प्राथमिक श्रेणी के जो नातेदार होते हैं उसमें कितने प्रकार की वह नातेदार होते हैं। ऑप्शन ए 5 प्रकार, ऑप्शन बी 6 प्रकार, ऑप्शन सी 7 प्रकार, ऑप्शन डी 8 प्रकार। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्राथमिक श्रेणी के नातेदार 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए अगला प्रश्न है यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय नहीं है, जो यहाँ पर दिए हुए हैं कौन सा इसमें समुदाय नहीं है। ऑप्शन नगर, गांव, जल या साधुओं की, मठ, बस्ती या घर। तो दोस्तों इनमें से कौन है जो कि यहाँ पर समूह का उदाहरण नहीं है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों जल या साधुओं के मठ हैं जो समुदाय के उदाहरण नहीं है। ठीक है, जल और या साधुओं के मठ जो हैं वह समुदाय का उदाहरण नहीं है। बाकी गांव भी एक समुदाय का उदाहरण है, बस्ती या घर भी समुदाय का उदाहरण है, और नगर तो समुदाय का उदाहरण है ही। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए अगला प्रश्न यहाँ पर है। व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य को क्या कहते हैं। ठीक है, व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य को क्या कहते हैं। ऑप्शन सामाजिक कार्य कहते हैं, या सामाजिक परिस्थिति कहते हैं, सामाजिक व्यवहार कहते हैं, या फिर ऑप्शन डी सामाजिक संबंध कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये जो व्यक्ति द्वारा किए का कार्य किए जाते हैं उसको सामाजिक कार्य कहते हैं। ठीक है, करते हैं नहीं है, सामाजिक कार्य कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। चलिए अगले आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है। सामाजिक संबंधों के जाल को हम क्या कहते हैं। सामाजिक संबंधों के जाल को हम क्या कहते हैं। समाज कहते हैं, समुदाय कहते हैं, समिति कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी है समूह कहते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है, इसे जो सामाजिक संबंधों के जाल होता है उसे दोस्तों हम समाज समाज के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा, यानी कि उसे हम समाज कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है दोस्तों। जन रीतियों, देखिए जन रीतियों, प्रथाएं और रूढ़ियों का स्थायी ढांचा है क्या है। समिति, समाज, संस्था या समूह। तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा, जो 11वां क्वेश्चन है इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संस्था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, संस्था है। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए अगला प्रश्न यहाँ पर है। निम्नलिखित में से प्राथमिक समूह कौन सा है। निम्नलिखित में से प्राथमिक समूह कौन सा है। जनता, परिवार, समाजशास्त्र के विद्यार्थी या फिर भीड़। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि परिवार एक प्राथमिक समूह का उदाहरण है। क्या? परिवार एक प्राथमिक समूह का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए अगला प्रश्न यहाँ पर है। भारत में स्तरीकरण का आधार है। भारत में स्तरीकरण का क्या आधार है। धर्म, वर्ण, प्रजाति या फिर जाति। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जाति जो है वह भारत में स्त्रीकरण का आधार है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर है। जाति निर्धारण का आधार है। जाति किससे निर्धारित होती है। देश से, प्रदेश से, जन्म से या फिर धन से। तो दोस्तों जो है जाति होती है वह तो जन्म से ही निर्धारित होती है। तो यह इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, 15वां प्रश्न। जाति एक बंद वर्ग है। जाति एक बंद वर्ग है, यह दोस्तों किसने कहा है। यह किसने कहा है दोस्तों, इसका सही आंसर है यह दोस्तों मजूमदार एवं मदान द्वारा कहा गया है। मजूमदार एवं मदान द्वारा कहा गया है कि जाति एक बंद वर्ग है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए अगला प्रश्न है यहाँ पर। समाजीकरण का प्रमुख अभिकारक है। समाजीकरण का
प्रमुख अभिकारक है? परिवार, कानून, प्रचार या नेता? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि समाजीकरण का जो प्रमुख अभिकारक होता है उसे हम परिवार के नाम से जानते हैं। क्या? परिवार के नाम से जानते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, सामाजिक संगठन के मूल तत्व हैं। सामाजिक संगठन के मूल तत्व हैं लक्ष्य, आदर्श, नियम, स्वीकृतियाँ या उपयुक्त तो सभी? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सामाजिक संगठन के जो मूल तत्व हैं वह लक्ष्य भी है, आदर्श नियम भी हैं और स्वीकृतियाँ भी हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त तो सभी। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, सोशल चेंज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सोशल जो चेंज पुस्तक है यह किसके द्वारा लिखी गई है? इसके ऑप्शन आपके सामने चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, चार ऑप्शन आपके सामने कौन कौन है? ऑकबर्न, जॉनसन, मैकाइवर या फिर डेविस? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑकबर्न है जो जिन्होंने यहाँ पर सोशल चेंज नामक पुस्तक लिखी है। कौन है? ऑकबर्न। ठीक है, ऑकबर्न के द्वारा यहाँ पर सोशल चेंज नामक पुस्तक लिखी गई है। इसके बाद चलते आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, स्टीज इन एनोथोडोलॉजी। ठीक है, क्या है इसे? ठीक है, एडीज एन एन एनोथो एनोमेथोलॉजी किसकी पुस्तक का नाम है? एच डीज एन एन एथनोमेथोलॉजी किसकी पुस्तक का नाम है? दोस्तों यह बहुत डिफिकल्ट नाम है, सॉरी मैं इसका सही उच्चारण नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन दोस्तों आप इस पुस्तक का नाम जरूर बताइए। यह जो पुस्तक है किसके द्वारा यहाँ पर लिखी गई है? ऑप्शन ए है यहाँ पर, देख लीजिए मैं इसका सही आंसर आपको बता दे रहा हूँ। दोस्तों यह जो पुस्तक है यह दोस्तों गार्फिकल द्वारा लिखी गई है। ठीक है, जो यहाँ पर पुस्तक का नाम दिया गया है दोस्तों यह दोस्तों गार्फिंगर द्वारा यहाँ पर लिखी गई। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 20, धर्म लोगों के लिए अफीम है यह किसने कहा है? धर्म लोगों के लिए एक अफीम है यह किसके द्वारा कहा गया है? तो दोस्तों यह ऑप्शन आपके बेबर, मार्क्स, ऑप्शन सी दुर्मीम्स, ऑप्शन डी फ्रेजर। तो दोस्तों यह ऑप्शन नंबर इसका 20 सही आंसर रहेगा। ठीक है, यानी कि दोस्तों जो धर्म लोगों के लिए एक अफीम है यह किसने कहा है? तो दोस्तों यह कहा है मार्क्स ने, यह कहा है। ठीक है, किसने? मार्क्स ने कहा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है, तो दोस्तों यह वीडियो यहीं पर होता है समाप्त। तो यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप अपने चैनल शिक्षा एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले आपसे एक बात कहना चाहता हूं दोस्तों, यदि इस वीडियो में कुछ भी आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और दोस्तों इसमें कुछ भी गलती हो तो प्लीज़ वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि मैं आगे उसका भी सुधार कर सकूं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अब अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।